पाकिस्तान में बैठकर लश्कर ए तैयबा जिस तरह भारत के खिलाफ आतंक फैला रहा है उसकी एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया है। 4 मिनट 52 सेकंड की तस्वीर है। आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। तो 4 मिनट 52 सेकंड का ये वीडियो जो सामने आया है, आतंकवादियों को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए, ये वो वीडियो आपके सामने, पहली बार लश्कर के किसी ट्रेनिंग कैंप का ये वीडियो जो सामने आया है। चाहने वालों अलम अब सर बुलंद अपना लुटा कर जान करना है। तो देखा आपने, 4 मिनट 52 सेकंड का ये वीडियो जो सामने आया है, और बाकायदा वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है इन आतंकवादियों को। लड़ने के अलग अलग गुर इन लोगों को सिखाए जा रहे हैं, बंदूक के साथ जमीन पर रोल करके किस तरीके से हमला करना है, कवर करते हुए किस तरीके से हमला करना है, ये सारी टेक्निक्स इन आतंकवादियों को सिखाई जा रही हैं। 4 मिनट 52 सेकंड का ये वीडियो जो सामने आया है, देखिए ये आतंकवादी हैं, इन्हें ट्रेनिंग कमांडो बनने की दी जा रही है। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप का ये वीडियो है, और पहली बार लश्कर के ट्रेनिंग कैंप का इस तरीके का वीडियो सामने आया है। यह संयोग हो भी सकता है और नहीं भी कि पिछले कुछ दिन में आतंक की कई तस्वीरें भारत में सुरक्षा एजेंसियों को मिली हैं। इस पर और चर्चा के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, हैरान करने वाला ये वीडियो जो सामने आया है, कहां से हाथ लगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? रवाना, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिस पर लश्कर ए तैयबा और अन्य मिलिटेंट संगठन अपने वीडियोस जारी करते रहते हैं, और ऐसी एक वेबसाइट पर ये वीडियो पिछले कुछ समय से दिनों से सर्कुलेट कर रहा था, जिसकी हम यहाँ पे लगातार जांच कर रहे थे। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस तरीके के वीडियो का जारी करना कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो इसमें ना सिर्फ मिलिटेंट्स को मिलिट्री स्टाइल में ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि पहाड़ी पर किस तरीके से उनको जंग करनी है, या फिर सरहद पर जो बाढ़ लगी हुई है उसको किस तरीके से पार करना है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में जो बाढ़ बनी है उस पर सीढ़ी के जरिए भी ऊपर मिलिटेंट क्रॉस करते हुए दिखाई जा रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही केरल सेक्टर में इस तरीके की सीढ़ियां बरामद की गई थी, जिससे मिलिटेंट जो है सरहद पर लगी बाढ़ को पार करते हैं। कहीं ये बड़ी जानकारी जो यहाँ पर आसिफ कुरैशी दे रहे हैं कि इस तरीके के वीडियोस जारी करने के पीछे मंशा ये कि जो घाटी के युवा हैं उन्हें आतंक की तरफ आकर्षित किया जाए। और देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये संयोग हो भी सकता है और नहीं भी, पिछले कुछ दिन में आतंक की कई तस्वीरें भारत में सुरक्षा एजेंसियों को जो मिल रही हैं, एक वीडियो सामने आया जिसमें सीमा पार के लिए बनी सीढ़ियां पकड़ी गई थी, और फिर एक थर्मल कवर वाले आतंकवादियों का भी वीडियो मिला जिसमें घुसपैठ कैमरे में पकड़ में नहीं आती। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।